नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएँ आज से कुल 183 केंद्रों पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, इस तरह के जिला जो हैं उन जिलों में राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। जो बीएससी के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं कल यानी 26 से शुरू हो रही हैं, बाकी बीए और दूसरे ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो है आज से शुरू हो रही है। सम्मिलित तकनीकी सेवा की आंसर की जा रही, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सोमवार को सम्मिलित तकनीकी सेवा के लिए लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल के अनुसार मास्टर सेट की ओर आंसर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को इसमें कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर 3 मई तक ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। और वहीं वन दरोगा की मुख्य परीक्षा 30 तारीख से होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वन दरोगा के 701 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल को किया जाएगा। परीक्षा लखनऊ में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। इसमें लगभग 20,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो इसके लिए भी जो अभ्यर्थी मेंस में है वो अपनी तैयारी जारी रखें और डेट देखिए क्लियर हो गई है, तय समय पे आपका एग्ज़ाम होना है। वहीं देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर की पुनः कौशल परीक्षा भी आज से होनी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती 2022 का कौशल परीक्षण 25 और 26 अप्रैल को होगा। इसके लिए यूपी और बिहार के 6 शहरों में 21 केंद्र टोटल बनाए गए हैं। अगली सूचना है यूपी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर के। इस बार 100 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। 100 साल में पहली बार इतनी जल्दी रिजल्ट यूपी बोर्ड देने जा रहा है। 2022 में 18 जून को दिया था, जबकि आप देख रहे हैं 25 अप्रैल को ही इस बार बोर्ड जारी कर रहा है। देखिए यह नोटिस है और इसमें देखिए वेबसाइट भी दे दिया गया है, upmsp.edu.in पर लगभग 1:30 बजे के करीब ये जो है आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसकी नोटिस कल ही जो है जारी कर दी गई बोर्ड के द्वारा, तो यह बड़ी बात है। अभी और बोर्डों का भी रिज़ल्ट रुका हुआ है, यहाँ तक कि सीबीएसई के भी नहीं आए हैं रिज़ल्ट, तो सबसे पहले इसका रिज़ल्ट आ रहा है। वहीं सीजीएल 2022 के लिए अभ्यर्थियों से मांगा विभाग का विकल्प, इसके लिए भी नोटिस जारी की गई है और विभाग के विकल्प मांगे गए हैं। अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आ रही है वो है, आगरा में उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप ऑफिस खोलने के लिए भेजा गया प्रस्ताव। उच्च शिक्षा मंत्री निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव भेजा। लखनऊ में भी कैंप ऑफिस बनाने का प्रस्ताव मांगा गया था। उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयाग का कैंप ऑफिस आगरा में बनेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय की यह बात रखी गई है। वहीं आरटीआई के द्वारा दूसरे चरण में 45,000 विद्यार्थियों को मिलेगी दाखिला। तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू, निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला। प्रदेश के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए दूसरे चरण की लॉटरी जो है जारी कर दी जाएगी 28 को। प्राइवेट कॉलेजों में भी संपर्क कर प्रवेश के लिए कहा गया है। इसके तहत ऑनलाइन बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। हाल में दूसरे चरण की लॉटरी जारी की गई और इसमें कुल आवेदक 93,209 में से 45,992 बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिला है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।